हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्न। आज मैं आपको वैम्पायर की एक डरावनी कहानी बताऊंगा। ये कहानी हमारी पिछले वीडियो का दूसरा भाग है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये कहानी सुनने के पहले आप वैम्पायर्स कहानी का पहला भाग जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो जाइए पहले वो भाग देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा। चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानी। मेरा नाम डेविड है और ये मेरी कहानी है। पिछले बार मैंने आपको बताया था कि मुझे पता चला था कि मेरी बीवी एक वैम्पायर है और मैं सोच रहा था कि मैं आगे क्या करूं। मेरे फार्म में जानवरों का मरना अगले कुछ दिनों तक चला और फिर अचानक ये हादसे रुक जाते हैं। पर अब भी मैं अपनी बीवी से डरा हुआ था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो कहीं अगला शिकार मुझे न बना ले। एक दिन सुबह मैं फार्म में जाता हूँ और देखता हूँ कि सारे जानवर सही सलामत है। जब मैं वापस आता हूँ तो देखता हूँ मेरे घर में मेरी बीवी है और वो आदमी, ये वही आदमी था जिसे मैंने रात फार्म में देखा था, जो कि मेरी पत्नी के साथ जानवरों का खून पी रहा था। वो कहता है अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कि उसका नाम पीटर है और वो पास के शहर में ही रहता है। पीटर मुझे कहता है, हेलो डेविड, तुम कैसे हो? मैं कहता हूँ, आई एम गुड पीटर, तुम कैसे हो? मैं अपनी पत्नी की तरफ अचंभित होके देखता हूँ और चेहरे पर ऐसे भाव लाता हूँ कि मुझे पता न हो कि ये क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो पीटर मुझे कहता है, डेविड, मुझे पता है तुम्हें मेरे और नीना के राज के बारे में पता चल चुका है। ये बात सुनते ही मेरा खून जम जाता है और मैं बैठ जाता हूँ अपने सर पे हाथ रखकर। मगर मेरी बीवी नीना मेरे पास आके मुझसे कहती है कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें मुझे उन दोनों से डरने की कोई बात भी नहीं है। मैं नीना से कहता हूँ, नीना, ये सब क्या है? तुम मुझे कह रही हो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुम दोनों वैम्पायर हो। मेरी बीवी वैम्पायर है और वो लोगों को मारती है और उनका खून पी लेती है। तभी पीटर मुझे रोकते हुए कहता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ और मुझे बताता है कि अगर मैं जानना चाहता हूँ तो वो दोनों मुझे बता सकते हैं कि असली राज क्या है। मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम दोनों आज मुझे मार दोगे, और ये कह के मैं रोने लगता हूँ। तभी नीना और पीटर मेरे पास आके कहते हैं कि उनकी बात एक बार पूरी तरह सुन लूँ और फिर मैं खुद यह निर्णय लूँ कि सच क्या है और झूठ क्या। पीटर मुझे बताता है कि एक ऐसा राज है और एक ऐसी कहानी है जिसे सुन के मेरे होश पूरे उड़ जाते हैं। पीटर कहता है कि ये बात कई साल पहले की है और हाँ, कि ये सच है, नीना बहुत साल पहले से वैम्पायर बन चुकी है। मैंने तभी थोड़ा ध्यान दिया और सोचा तो ये बात तो सच थी कि हमारी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था और ये कि हम बस शादी से पहले 3 महीने ही डेट कर रहे थे और तुरंत हमने शादी करने का फैसला कर लिया था। तो तब ये सारी बातें कि नीना धूप में ज़्यादा नहीं निकलती है और जब भी निकलती है अपने आप को पूरी तरह बचा के निकलती है, मैंने कभी ज़्यादा ध्यान दे के नहीं सोची थी। मुझे पीटर बताता है कि असल में वो और नीना भाई बहन है और पीटर ही वो शख्स है जिसने नीना को वैम्पायर बनाया था। कई साल पहले जब नीना अपने कॉलेज में थी तब वो अपनी दोस्तों के साथ एक फील्ड ट्रिप पे गई हुई थी। उस फील्ड ट्रिप में वो सब जब घूम रहे थे तब तो सब कुछ ठीक था,
मगर अचानक जब वो वापस आए तो नीना की तबीयत खराब हो गई। पीटर उस वक्त शहर में रहता था और अपना खुद का बिजनेस करता था। ये बात थी कि उस वक्त भी पीटर वैम्पायर ही था। उनके घर वालों ने पीटर को कॉल किया और बताया कि नीना की तरह तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और वो लोग उसे शहर ला रहे हैं इलाज के लिए। इलाज एक महीने तक चला मगर कोई भी डॉक्टर बता नहीं पा रहा था कि नीना को आखिर हुआ क्या है और उसकी तबीयत इतनी किस वजह से खराब है। फिर अचानक एक दिन ए डॉक्टर ने कहा कि अब नीना के पास ज्यादा समय नहीं है और क्योंकि उसकी किडनी और दूसरे ऑर्गन्स भी फेल हो रहे हैं, उन्हें लगता था कि फील्ड ट्रिप के दौरान ही नीना को किसी जहरीले कीड़े या सांप ने काट लिया है और उसके लिए ही इसकी हालत इतनी खराब हो रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि नीना को घर पे ले जाया जाए ताकि उसका आखिरी का समय अच्छे से घर पे गुजर सके। पीटर ये बात मानने को तैयार नहीं था किसी भी तरह कि उसकी छोटी बहन नीना अब इस दुनिया में बस कुछ दिनों की ही मेहमान है। पीटर एक दिन ब्लड बैंक गया था खून के लिए, तो तभी वहां पे उसे रेबेका मिलती है। पीटर बताता है कि रेबेका वही वैम्पायर थी जिसने पीटर को वैम्पायर बनाया था। पीटर बताता है कि कुछ ऐसे वैम्पायर्स हैं जो कि मारे नहीं जा सकते और वो अगर किसी दूसरे इंसान को चाहे तो वैम्पायर में तब्दील कर सकते हैं। बहरा पीटर को बहुत दुखी देखकर रेबेका ने उससे पूछा कि क्या हुआ है और तभी पीटर रेबेका को पूरी बात बताता है। रेबेका कहती है कि इसका एक उपाय है और नीना की जिंदगी बच सकती है मगर उसके लिए उसे एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। पीटर तभी रेबेका से कहता है कि क्या करना पड़ेगा और किस तरह से नीना की जान बच सकती है। रेबेका कहती है नीना को बचाने के लिए एक ही उपाय है, उसे वैम्पायर में तब्दील कर दे जैसे कि तुम हो। पीटर ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पीटर भले ही अब एक लगभग आम जिंदगी जी रहा था पर फिर भी वो हमेशा चाहता था कि वो एक नॉर्मल इंसान ही रहे, ना कि कोई वैम्पायर जैसा राक्षस बन जाए। और पीटर ने रेबेका पर चिल्लाते हुए कहा, कभी नहीं, मेरी बहन ये घटिया जिंदगी कभी नहीं जीतेगी। रेबेका पीटर से कहती है कि तुम सोच लो और अगर तुम्हें अपनी बहन की जान बचानी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी उसे बचाने के लिए। अगले कुछ दिनों तक पूरे परिवार ने देखा कि नीना की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी और ये कि नीना अब बस कभी भी किसी दिन भी दुनिया छोड़ के जा सकती थी। नीना ज्यादातर समय बेहोश ही रहती थी। पीटर फिर आखिरकार नीना को ऐसे देखकर ये तय करता है कि वो अपनी प्यारी बहन को इस तरह खो नहीं सकता और ये कि वो रेबेका को बुलाएगा उसकी जान बचाने के लिए। उस रात को रेबेका आती है और नीना को वो इंसान से वैम्पायर में तब्दील कर देती है। अगले दिन सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि नीना होश में है और उसकी हालत में सुधार हुई है। पीटर बस सबको ये कह देता है कि नीना के कमरे में धूप ना आने पाए क्योंकि डॉक्टरों ने उसे कहा है धूप लगने से नीना की हालत फिर से बिगड़ सकती है। लगभग 5 दिनों में नीना बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर एक रात फिर से रेबेका और पीटर आते हैं नीना के पास और उसे ये सारी बात बताते हैं कि किस तरह से पीटर ने उसकी जान बचाने के लिए ये कदम उठाया। नीना को वो लोग पूरी बात समझाते हैं कि उसे अब से धूप से और ज्यादा रोशनी से तकलीफ होने वाली है ताकि वो जब भी दिन के वक्त घर से निकले तो अच्छे से सावधानी बरते और किसी भी तरह से अपने आप पर धूप ना लगने दें। वो उसे बताते हैं कि वैम्पायर्स को हमेशा खून की जरूरत होती है मगर ये कि शहर में उनका एक करार है
कि वैम्पायर्स लोगों को नहीं मारेंगे और जब भी उन्हें खून चाहिए वो शहर के ब्लड बैंक में जाएंगे। नीना भी इस सच को मान लेती है और समझती है कि पीटर ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो मजबूर था और उसे नीना की जान बचानी थी। ये कहानी बताते हुए पीटर और नीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। डेविड ये कहानी सुन के कहता है कि मगर तुम रात में ही क्यों आते थे और फार्म के जानवरों को मारते थे? तो इसका जवाब देते हुए पीटर कहता है कि उसने नीना और डेविड की शादी के बाद ये व्यवस्था कर दी थी कि शहर के ब्लड बैंक से यहाँ पर रोज खून पहुंच जाए, मगर कुछ दिनों तक वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई और उसी वक्त वो खुद यहाँ आता था ब्लड लेके, और कभी कभी अगर ब्लड नहीं रहता तो उन्हें फार्म के जानवरों को मारना पड़ता था। डेविड ये पूरी बात सुन के बैठे बैठे दंग रह जाता है। पीटर कहता है कि नीना उसे बहुत प्यार करती है और कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे कि डेविड को किसी तरह का भी नुकसान हो, और वो दोनों एक आम जिंदगी भी बिता सकते हैं अगर वो लोग चाहे तो। डेविड उठकर नीना को अपने गले लगा लेता है और कहता है कि वो कभी भी नीना को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। इन दोनों को इतना खुश देखकर पीटर भी डेविड को धन्यवाद कहता है और वहां से जाने की इजाजत लेता है। तीनों लोग अब बहुत खुश थे, मगर अब भी तीनों ये नहीं जानते थे कि उनके एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है। नीना ये सोच रही थी कि क्या डेविड मुझे माफ कर देगा इस झूठ के लिए। पीटर सोच रहा था कि उम्मीद है डेविड अब खुश होगा और नीना भी खुश होगी क्योंकि आखिरकार ये राज अब डेविड के सामने खुल गया है। और डेविड क्या सोच रहा है? क्या डेविड ने नीना को माफ कर दिया है या फिर डेविड के दिमाग में कुछ और चल रहा है? तो दोस्तों, आपको कैसी लगी डेविड की कहानी का अगला ये भाग, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वैम्पायर्स पर मैं एक सीरीज ला रहा हूँ और ये कहानियाँ उसकी शुरुआत है। दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मैंने देखा है कि अभी भी ज़्यादातर लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं और चैनल पर आते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लग रही है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें की हॉन्टेड पॉडकास्ट का शौक है, ताकि हमारी कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। अगर आप चाहते हैं आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो वहाँ पर भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। मिलते हैं अगली बार कुछ नए कहानी कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।